everyone, finally welcome to the second most awaited hall on the channel, which is a huge Forever 21 hall. जब इस चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना, Forever 21 के हॉल्स में सबसे ज्यादा करती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक दैट ब्रांड. पर तभी तो फिजिकल स्टोर्स में मैं जाकर शॉपिंग करती थी, क्योंकि गुड फैशन एंड सस्ता प्राइसेस वॉज इट्स एवरीथिंग दैट अ चैनल स्टैंड्स फॉर. तो अभी इवन दो मेरे आसपास फिजिकल स्टोर्स नहीं है, Forever 21 के वेबसाइट पे बहुत ही बड़ी सेल थी, अप टू 70% ऑफ थी, जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब स्टोरीज पे भी पोस्ट करा था. सो आई एम टेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड ट्राइंग टू पोस्ट एज मेनी सेल स्टोरीज ऑन यूट्यूब एज वेल. एंड या आई बॉट ऑल दिस स्टफ इन वन गो, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली मुझे मालूम है. बट समर इज ऑलमोस्ट हियर एंड आई वॉन्टेड टू चेंज माई वॉर्डर कम्प्लीटली फॉर समर. दैट्स वाई मैंने बहुत सारे अलग कलर्स और ऐसे छोटे छोटे पतले पतले टॉप्स लिए एंड एक दो विंटर ही टॉप्स लिए, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप सून टू. सो लेट्स बिगिन द हॉल. लेट्स गो विद दिस वन. फर्स्ट बैग हैज so these tops I was very excited for the color. It is so pretty. Pastel colors na bahut time se trend mein hai and I think this will be a good fit. Mujhe crop tops pasand hai but bahut crop bhi nahi, because then I do get uncomfortable. I don't like showing a lot of my tummy. To jo high waisted pants hota hai na, bas wo jahan pe start hota hai wahan top khatam hona chahiye. So this is the first top. Because it was unique, yellow because yellow is my favorite color to wear in clothes, and white because white to itna basic hai ki sab pe match ho jayega. So I got three of them. Let's try and see how they actually fit. So this is what the blue version looks like. Mujhe jo thoda dar tha na, wo actually sach ho gaya. This is a little more cropped than what I would like. ये पार्ट मेरे को दिखाना पसंद नहीं है जल्दी से, बट इट्स ओके. ऑल्सो आई थिंक पहनने के बाद आई रिमेंबर कि मृदुल हैड बॉट समथिंग सिमिलर फ्रॉम बांद्रा. मृदुल इज अ वेरी गुड फ्रेंड, शी इज ऑल्सो यूट्यूबर, आई विल लिंक हर चैनल डाउन बिलो. शी बॉट समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस फॉर लाइक 250 rupees. तो आई थिंक ये वाला शायद मैं बांद्रा में ढूंढने जा सकती थी, बट इट्स ओके. आई एम प्रिटी श्योर आई एम गोना स्टाइल इट इन 10 different ways. ये शॉर्ट्स के साथ तो अच्छा लगेगा ही, प्लेन ब्लैक लेगिंग्स के साथ तो यू कैन वेयर इट एनी टाइम एनी वेयर. अच्छे जूते पहन लोगे ना तो इट कैन बिकम अ गुड डेट टाइम आउटफिट ऑल्सो. एंड यू कैन ऑल्सो वेयर दीज डेटी टॉप्स विद थिंग्स लाइक स्कर्ट्स, क्योंकि जब ऐसा पतला स्ट्रैप होता है ना, दे लुक मोर क्लासिक, दे लुक मोर फेमिनिन. सो स्कर्ट्स वगैरह के साथ भी ईजिली मैच हो जाता है. सो दैट्स वाई दिस टॉप कैन बी स्टाइल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल वे. अगर कभी ठंडी लग रही है या बस लुक चेंज करना है तो ऊपर जैकेट डाल दो यार, लाइक अ डेनिम जैकेट और एनी हुडी विल ऑल्सो लुक वेरी नाइस विद दिस. आई वॉन्ट टू शो यू द अदर टू ऑल्सो. मैं इसके ऊपर पहन लेती हूँ. आइडिया तो आ गया, इट्स जस्ट दैट इट लुक्स लाइक अ डुअल स्ट्रैप. मे बी दिस इज अनदर वे टू स्टाइल इट, दोनों साथ में पहन लो तो ऐसा स्ट्रैप लगेगा. एंड आई विल शो यू द वाइट वन ऑल्सो. येलो जस्ट लाइक ब्रिंग्स द वाइब टू अनदर लेवल एंड समर इज एन एक्सक्यूज टू वेयर येलो. तो आई लव लव बाइंग येलो स्टफ ऑल द टाइम. दिस इज व्हाट द वाइट वन लुक्स लाइक. सो इट्स लाइक इधर तक आ जाता है एंड दिस लाइक अ वेरी हाई वेस्टेड लेगिंग्स. ऑनलाइन वेबसाइट्स डू दिस ऑल द डैम टाइम. मॉडल जो रहते हैं ना, उसका इतना हाई वेस्टेड बॉटम रहता है ना कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इन एक्चुअल लाइफ हाउ शॉर्ट इट इज. सो आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी वेरी हाई वेस्टेड लेगिंग्स. नॉर्मल जीन्स ना यहाँ तक आती है. सो दिस इज लाइक हाउ क्रॉप दिस इज. लेट्स ओपन द नेक्स्ट बैग. ये वाला लेके देखते हैं, इट्स क्वाइट फ्लफी. Oh, I got track pants. I got so many track pants because 500-600 rupees mein अच्छे quality के colorful track pants मिल रहे थे. So I had to grab them. I have been looking for track pants since a while and the cheapest I found was H&M में 799 का मिल रहा था without sale. बट उसमें ना मुझे थोड़ा फिटिंग का इशू आ जाता है. सो आई थॉट कि मेन्स सेक्शन में से लेके देखती हूँ एंड आई न्यू इट वुड फिट मी बेटर बिकॉज एडिडास हॉल में मैंने मेन्स के बहुत ट्रैक पैंट लिए थे. सो आई गॉट अ ग्रीन कलर एंड अ वाइट कलर एंड अ पिंक. बिल का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये सेल में आई थिंक उन्होंने शायद मेंशन किया था कि रिटर्न और एक्सचेंज एप्लीकेबल नहीं है. सो ऑलवेज व्हेन यू शॉपिंग इन सेल प्लीज चेक द रिटर्न पॉलिसी बिकॉज मेनी अ टाइम्स जो क्लियरेंस में सामान ब्रांड्स बेचते हैं ना, रिटर्न और एक्सचेंज नहीं होता. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एनी विच वेज.
पिंक वाले में आई एम कंसर्न्ड बिकॉज दिस वॉज अ साइज मीडियम फ्रॉम द मेन सेक्शन, तो दिस मे और मे नॉट एक्चुअली फिट मी, बट कलर वॉज सो क्यूट कि आई थॉट कि टेलर का एक ट्रिप तो बन जाएगा, लाइक इल मेक द पैंट वर्थ इट. वाइट इज अ साइज स्मॉल, या इट इज अ साइज स्मॉल. एंड दिस ग्रीन वन, दिस ग्रीन वन आई एम एक्साइटेड फॉर बिकॉज यही कलर का आई हैव टेकन स्वेटर ऑल्सो, तो आई थिंक इट कुड बिकम अ गुड पेयर. आई ट्राई टू लुक फॉर दिस स्वेटर. Found it. So this is a crop sweater and with this pant, it may look like a nice Instagram baddie outfit. मैंने देखे हैं बहुत लोगों को ऐसा पहनते हुए, तो sale में I thought कि मैं भी try करके देखती हूँ. So let's try this one first and see if I can actually look like an Instagram baddie. This is my first ultra crop sweater because I'm a big believer कि घर पे अगर कोई सामान है ना तो उसको ही क्रॉप कर देने का एंड नॉट टू स्पेंड मनी. सो आई एक्चुअली मैं सरोजनी से जो स्वेटर्स ले आई थी ना, मैंने वो टेलर के पास भी क्रॉप करा है. बट द रीजन वाई दिस इज लुकिंग डिफरेंट इज दिस इलास्टिक एट द बॉटम. तो इलास्टिक की वजह से ऊपर से इवन इट्स फ्लफी, इट्स गिविंग अ गुड शेप टू द होल आउटफिट. एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट वेयर द ट्रैक पैंट्स. आई वांटेड यू टू सी विद बॉडी फिट लेगिंग्स. सो दिस इज अ गुड वे टू स्टाइल fluffy thing. So this is a very big styling tip ki if you like giving such shape to your body, if you want to bring more attention to your waist, to upar kuch loose loose pehenne ka and niche kuch bhi body fitting chalta hai, jeans ya leggings ya shorts ho gaya, to it gives a good shape to the body. And so let's try the track pants now. I know ki it is almost summer time now, बट आई बॉट ऑल दीज थिंग्स जब भी मुंबई में अभी भी विंटर चालू था. बट सिंस इट्स अ रूल ऑन माई चैनल कि जब तक हॉल नहीं हुआ तब तक सामान पहनने का नहीं, आई डिड नॉट वेयर एनी थिंग एक्सेप्ट द रेनबो स्वेटर. ओके, आई डोंट थिंक द फिटिंग इज वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक कि ग्रीन के शेड्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बट मे बी दिस कुड बी अ डिसेंट एयरपोर्ट लुक. Maybe I think I'll use this for airport looks only and घर पे जब मेहमान आते हैं, because I wear shorts at home and every time मेहमान आने वाले होते हैं my parents are like so I think this will be a good मेहमान look and airport look. I won't try all the track pants because सबका fitting more or less same ही होगा, but these are the white ones. This is what the pink one will look like. देख के मालूम पड़ रहा है ना, it's very big. So oh my god, this is हर लड़की के सपनों का बैग. All of us girls live in black clothes. So most of these black tops were not on sale, but I have been looking for अच्छे वाले black tops जो सबके साथ match हो. And even though they were not on sale, इनके price was $5.99, $6.99. तो it was not ultra expensive. इसलिए मैंने खरीदे हैं कुछ, तो अभी find out करते हैं if they are good or not. I'll wear and come. Actually ना मेरा plan यही था ये पूरे Forever 21 haul में कि अलग अलग तीन चार black top and सारे अलग अलग के track pant will make a new outfit. Yeah, that's why I got so many black tops कि हर एक track pant के साथ चल जाएगा. And this one fits well. It actually fits so well. बहुत ही सही फिटिंग है. इट्स नॉट वेरी डीप नेक बट इट्स स्टिल अ गुड वी नेक एंड बैक से भी इसका अच्छा फिटिंग है. तो आई लाइक दिस वन अ लॉट. सो ट्रैक पैंट में आई थिंक आई बॉट सो ग्रीन व्हाइट पिंक तो आई शोड यू एंड देन दिस ऑरेंज ब्लैक एंड मरून. मरून वाला मुझे हुडी भी मिल गया था 500 या 600 रुपए में. सो दैट वॉज अ फुल ट्रैक सूट एंड ग्रीन ग्रीन वाला ट्रैक सूट हो गया. एंड बाकी वाले तो ब्लैक तो बेसिक है यार, ब्लैक तो स्टेबल है. एंड देन ये बस ट्राई कलर सीन हो गया इधर, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन. लेट अस ट्राई द ऑरेंज पैंट बिकॉज दीज आर लाइक कार्गो पैंट्स एंड फ्रॉम द मेन सेक्शन आई वॉन्ट टू सी हाउ दे फिट. द बेस्ट पार्ट इज स्मॉल मीडियम साइज के लिए आई हैव माई ब्रदर माधव, तो अगर मुझे नहीं कुछ फिट आता तो आई थिंक उसको डेफिनेटली फिट आ जाएगा. एंड अगर कुछ बड़ी साइज है लार्ज या कुछ तो कुमार को फिट आ जाएगा. सो पैसे वेस्ट तो नहीं होने अपने ये हॉल में. लेट्स ट्राई दिस दिस पैंट. आई थिंक इट एक्चुअली लुक्स नाइस. बस क्रॉच एरिया में से जो थोड़ा सा अजीब फिटिंग आ रहा है ना, इफ आई टाइटन इट फ्रॉम द नाड़ा इट विल बी फाइन. सो दिस इज अ गुड फिट. एंड कमिंग टू द टॉप, सो मेनी टॉप्स हैव दिस अनोइंग थिंग.
आई नो कि इसको हैंगर पे लटकाने के लिए होता है, बट जो पीछे टैग्स होता है ना टॉप में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे जो टैग्स होता है ना टॉप के ऊपर, सो मैं यही टैग को हैंगर के इसमें लटका देती हूँ एंड दैट वर्क्स परफेक्टली फाइन. सो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वी नीड दिस, बिकॉज काम आने से ज्यादा ये आधा ज्यादा आता है. लाइक ये टॉप पे तो साइज में कहाँ मैं छुपाऊँ. तो द हैक दैट आई यूज इज मैं काट देती हूँ ये एंड देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इफ दिस इज हैंगिंग आउट और नॉट. फिटिंग की बात करें तो इट फिट्स रियली वेल अगेन. लाइक द बैग इज अ क्रिस क्रॉस बैग. एंड अनदर टिप फॉर शॉपिंग ऑनलाइन फॉर टॉप्स वुड बी इलास्टिक वाले कपड़े लेना प्रेफर करना, बिकॉज इन दैट द चांसेस ऑफ इट फिटिंग वेल आर हायर. इफ यू विल बाय समथिंग जो स्ट्रेट फिट है या जो लिनन टाइप है तो उसका आपको ऐसा स्ट्रेट फिट आएगा. सो इफ यू लाइक थिंग्स टू एडजस्ट टू योर बॉडी देन स्ट्रेची थिंग्स लाइक स्ट्रेचेबल नाइस इलास्टिकेटेड थिंग्स आर द बेस्ट वे टू गो. This is Haley from the future and I have just realized ki this video is too long to have it only in one part. So there are going to be more parts to this, but this is part 1, the grand opening of this Forever 21 haul series. So